कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से 29 जून को बरसाना मंदिर में बदसलूकी की गई। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंग वस्त्र खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि इसका नाक रगड़वाओ और कान पकड़वाओ। प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे थे और राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। मंदिर में उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नाक रगड़कर माफी मांगी जाए और इस घटनाक्रम के दौरान पंडित मिश्रा असहज दिखे। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी और दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासी का अभिनंदन किया। हालांकि मंदिर के रिसीवर प्रवीण गोस्वामी ने कहा कि बदसलूकी की बात बिल्कुल गलत है, मंदिर में भीड़ थी, अचानक वो आए थे और उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी, यही ब्रजवासी चाह रहे थे। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासी के प्रेम की वजह से आया हूं और लाडली जी ने मुझे खुद ही इशारा करके बुलाया। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। साथ ही कहा कि ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहें, राधे राधे कहें, महादेव कहें। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 9 जून को ओंकारेश्वर में विवादित बयान दिया था और कथा के पहले दिन प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 1600 रानियों में नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष, उनके सास का नाम अजटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था और ये भी कहा था कि राधा जी बरसाना की नहीं रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी जहाँ वह साल भर में एक बार आती थी।